हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा अनुज की रसोई। आज की रेसिपी में मैं आपको मलाई कोफ्ता बना के दिखाऊंगी, वो भी बहुत ही इजी मेथड से। इसमें थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, पर ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए जल्दी से बना लेते हैं। हमने यहाँ पे 3 उबले हुए आलू लिए हैं जिन्हें कद्दूकस कर लिया है, 1 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर, 2 बड़ा चम्मच कटा हुआ धनिया पत्ता, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच कटा हुआ काजू, 2 बड़ा चम्मच मैदा। फिर इसे अच्छे से मिलाएं। इसमें ऊपर से बिल्कुल भी पानी ना डालें, बस इसे ऐसे ही मिलाएं। इससे अच्छा डो बन जाएगा। देखिए ये डो बन गया है, तो बस अब थोड़ा हाथ को ग्रीस करके आप इसमें से थोड़ा सा बॉल के साइज़ का लें और उसे गोल बॉल का आकार दें। दोनों हथेलियों के बीच पे रख के इसे घुमाएं। देखिए ये हमारा बॉल तैयार है, ऐसे ही बाकी बॉल्स भी बना लें। तो यहाँ पे हमारे सारे बॉल्स तैयार हैं, हमने 9 बॉल्स बनाए हैं। गर्म ऑयल में इसे डाल दें। ऑयल गर्म होना चाहिए, पर डालने के बाद आप फ्लेम को मीडियम पे कर दें। मीडियम फ्लेम पे इसे हर तरफ से अच्छे से फ्राई करें। बॉल्स के गोल्डन होने तक इसे फ्राई करें, पलटते रहें। देखिए बॉल सुनहरे कलर का हो गया है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी प्रकार से आपको सारे बॉल्स को फ्राई करना है। गरम पैन में 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालें, 1 बड़ा प्याज लंबा कटा हुआ डालें। फिर इसे मीडियम फ्लेम पे सुनहरा होने तक फ्राई करें, लगभग 3 से 4 मिनट तक। 4 मिनट बाद आप देख सकते हैं प्याज का कलर चेंज हो गया है। 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालें। इसे 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। 1 मिनट हो गया है, लहसुन अदरक का जो स्मेल है वो भी खत्म हो गया है। 2 बड़े टमाटर ऐसे लंबे कटे हुए डालें, 2 बड़ा चम्मच काजू डालें, थोड़ा सा नमक डालें। फिर इसे अच्छे से मिला दें, फ्लेम को मीडियम पे रखें। देखिए ये मिल गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1/4 कप। इसे अच्छे से मिला देंगे, फ्लेम को मीडियम पे रखें और इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएं, जब तक कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने दें। टमाटर प्याज को ब्लेंडिंग जार में डाल दें, इसका फाइन पेस्ट बना लें। तो हमने टमाटर प्याज को अच्छे से पीस लिया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्मूथ पेस्ट बना है। अब हम इसे छान लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप इसे छान लेते हैं तो इससे आपका मलाई कोफ्ता बहुत ही अच्छा बनेगा। देखिए ये जो बचा हुआ है इसको आप फेंक दें और इसे आप अच्छे से एक बार मिला लें। तो बस हमारा टमाटर प्याज का प्यूरी तैयार है। गरम कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच बटर डालें, 2 बड़ा चम्मच ऑयल डालें, फ्लेम को मीडियम पे रखें, 2 तेज पत्ता डालें, 2 छोटी इलायची डालें, 1 इंच दालचीनी, 2 लौंग, 1 छोटा चम्मच जीरा। फिर इसे मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए फ्राई करें। देखिए ये फ्राई हो गया है, फ्लेम को लो कर देंगे और सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर। इसे 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई करें, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। मसाला फ्राई हो गया है, तो अब हम इसमें टमाटर प्याज वाला प्यूरी डालेंगे। फ्लेम को मीडियम पे कर दें और इसे एक बार अच्छे से मिलाएं। देखिए ये अच्छे से मिल गया है, तो इसे ढक के 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने दें। 10 मिनट बाद ढक्कन को हटाएं। देखिए ग्रेवी थोड़ा थिक हो गया है, इसे अच्छे से मिलाएं। बस हमें ग्रेवी को इतना ही पकाना है। देखिए ये साइड साइड से ऑयल भी छोड़ दिया है। 1/4 कप फ्रेश क्रीम डालें, फ्लेम को लो पे रखें और इसे मिलाएं। देखिए ये मिल गया है। 1/2 कप पानी डालें, स्वाद अनुसार नमक डालें, इसे अच्छे से मिलाएं, फ्लेम को मीडियम पे कर दें। ग्रेवी की थिकनेस आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। देखिए ये मिल गया है अच्छे से। 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी ऐसे हाथ के बीच में रख के घस के डालें।
इसे अच्छे से मिला दें। हमारा ग्रेवी तैयार है और हमारे बॉल्स भी तैयार हैं। हम ग्रेवी में बॉल्स को नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम बॉल्स को डालेंगे तो बॉल्स बहुत जल्दी फट जाएंगे और वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जब भी आप इसे खाएं तो गरम गरम बॉल्स पे ग्रेवी को गरम करके डालें, उससे इसका खाने में भी मज़ा आएगा और बॉल्स बहुत ही सॉफ्ट भी नहीं होंगे। तो हमारा मलाई कोफ्ता तैयार है। आपको कैसा लगा रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें।